करियर सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम विज्ञान के आविष्कार एवं आविष्कारक के विषय में इस वीडियो में पढ़ेंगे। और यह वीडियो आपके लिए सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पोलियो का ओरल टीके का आविष्कारक अमेरिका के एल्बर्ट साबिन वैज्ञानिक थे। पोलियो टीका इंजेक्शन के आविष्कारक अमेरिका के जोनास साल्क हैं। चेचक के टीके का आविष्कार अमेरिका के एडवर्ड जेनर ने किया था। हेजे के टीके का आविष्कार जर्मनी के रॉबर्ट कॉच के द्वारा किया गया। बीसीजी टीके का आविष्कार जर्मनी के यूरिन कॉलमेट के द्वारा किया गया। एस्प्रिन का आविष्कार जर्मनी के फेलिक्स हॉफमैन द्वारा किया गया है। मनोविज्ञान की अवधारणा ऑस्ट्रिया के सिगमंड फ्रेड के द्वारा दी गई है। विटामिन्स के बारे में सबसे पहले पोलिश के वैज्ञानिक कास्मिर फंक ने बताया। ब्लड ग्रुप आरएस फैक्टर एंटीजन की खोज ऑस्ट्रिया के कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा की गई। इंसुलिन की खोज कनाडा के वैज्ञानिक बैटिंग व बेस्ट के द्वारा की गई। पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक का आविष्कारक इंग्लैंड के एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम दक्षिणी अफ्रीका के क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। जेनेटिक कोड की अवधारणा भारत के हरगोविंद खुराना ने दी थी। होम्योपैथी की खोज जर्मनी के सैमुअल हैनमैन ने की थी। मलेरिया की चिकित्सा व कारण एवं उसका मच्छर से संबंध देने वाले वैज्ञानिक ब्रिटिश वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस थे। बैक्टीरिया की खोज डच के लीवेन हॉक द्वारा की गई थी। सीटी स्कैन कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी की खोज ब्रिटेन के गॉडफ्रे हाउंसफील्ड द्वारा की गई। एड्स वायरस की खोज अमेरिका एवं फ्रांस के संयुक्त तत्वाधान से डॉक्टर रॉबर्ट गालो एवं ल्यूमक मोंटेग्नी के द्वारा की गई। पाश्चरीकरण फ्रांस के लुई पाश्चर ने खोज की थी। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई की खोज जर्मनी के रॉबर्ट कॉच द्वारा की गई। परमाणु की खोज सन 1808 में जॉन डाल्टन इंग्लैंड के वैज्ञानिक द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जे जे थॉमसन द्वारा की गई। प्रोटॉन की खोज सन 1919 में रदरफोर्ड इंग्लैंड के द्वारा की गई। न्यूट्रॉन की खोज इंग्लैंड के वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने सन 1932 में की। परमाणु बम का आविष्कार 1941 में जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न द्वारा किया गया। गति के नियम देने वाले वैज्ञानिक इंग्लैंड के न्यूटन थे। इन्होंने गति के नियम सन 1687 ईस्वी में दिए। रेडियो एक्टिविटी की अवधारणा 1896 में फ्रांस के हेनरी बैक्वेरेल द्वारा दी गई। सापेक्षता के सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक
वैज्ञानिक जर्मनी के आइंस्टीन थे, इन्होंने ये अवधारणा सन 1905 में दी। और इसी अवधारणा को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, और यह आइंस्टीन द्वारा 1905 में दी गई। आइंस्टीन जर्मनी के वैज्ञानिक थे। रमन प्रभाव 1928 में भारत के वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा की गई। एक्सरे की खोज जर्मनी के वैज्ञानिक रोंटजेन द्वारा सन 1895 में की गई। आवर्त सारणी की अवधारणा रखने वाले वैज्ञानिक रूस के डी मेंडेलिफ थे, उन्होंने यह 1869 में इस अवधारणा को दिया। विद्युत प्रतिरोध के नियम को देने वाले व्यक्ति जर्मनी के जीएस ओम थे, उन्होंने 1827 में इन नियमों को दिया। उत्प्लावन के सिद्धांत आर्कमिडी चिटली द्वारा दिए गए 200 BCC में। नाभिकीय रिएक्टर की खोज 1942 में इटली के वैज्ञानिक फर्मी द्वारा की गई। परमाणु विखंडन की अवधारणा 1901 में जर्मनी के वैज्ञानिक हानेक ऑटोहॉर्न द्वारा की गई। बेतार के तार का आविष्कारक 1601 में इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी द्वारा किया गया। ग्रहों की गति के नियम देने वाले वैज्ञानिक जर्मनी के केपलर हैं, उन्होंने यह अवधारणा सन 1928 में दी। कम सुनाई देने वाले व्यक्ति के लिए जो मशीन श्रवण सुधार के लिए की जाती है, वह मशीन ऑडियोफोन कहलाती है। विद्युत धारा मापन के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। समुद्र तल से विमान की ऊंचाई नापने का यंत्र अल्टीमीटर कहलाता है। एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति व दिशा का ज्ञान होता है। ऑडियोमीटर की सहायता से ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। एस्ट्रोमीटर की सहायता से तारों के प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। वायु दाब का मापन बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। बाइनोकुलर्स का प्रयोग दूरदर्शी के रूप में किया जाता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। इसे हम सामान्य भाषा में दूरबीन भी बोलते हैं। कैलोरीमीटर का प्रयोग ऊष्मा की मात्रा में कैलोरी के मापन के लिए किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग वस्तु के व्यास, लंबाई और छोटी दूरियों के मापन के लिए किया जाता है। कार्बोरेटर का प्रयोग इंजन में पेट्रोल के साथ वायु को मिलाना होता है। कार्डियोमीटर का प्रयोग हम हृदय की धड़कनों को ग्राफ के रूप में व्यक्त करने में करते हैं, और सामान्य रूप से हम इसे ईसीजी के नाम से जानते हैं। कैस्कोग्राफ का प्रयोग पौधों की वृद्धि नापने में किया जाता है। कंपास का प्रयोग दिशा यानी कि डायरेक्शन को ज्ञात करने में किया जाता है। कैमरे का प्रयोग प्रकाशीय बिंबों का फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। डायनामो का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। ईपीडियोस्कोप का प्रयोग पर्दे पर स्लाइड प्रदर्शन के लिए किया जाता है। एपिकाइस्कोप का प्रयोग अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने के लिए किया जाता है। फैदोमीटर इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग समुद्री गहराई के मापन के लिए किया जाता है। गीगर काउंटर का प्रयोग रेडियोधर्मी विकिरणों की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
इप्सोमीटर का प्रयोग पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर का प्रयोग हम दूध के घनत्व एवं दूध की शुद्धता के मापन के लिए करते हैं। मैनोमीटर का प्रयोग गैसों के दाब ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जब भी आप अपने व्हीकल में हवा भरवाते हैं तो इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग सूक्ष्म आकार की वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है। पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बी से जल सतह का अवलोकन करने के लिए किया जाता है। माफ करें, इसे आप जल सतह पढ़ें। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप का मापन करने में व शुद्धता का अवलोकन करने में किया जाता है। फोटोमीटर का प्रयोग प्रकाश स्रोतों की ज्योति की तीव्रता मापन करने में किया जाता है। रडार का प्रयोग वायुयान की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रेन गेज का प्रयोग हम वर्षा के मापन के लिए करते हैं। रेडिएटर का प्रयोग वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर का प्रयोग हम वाहन की गति को ज्ञात करने के लिए करते हैं और ये हमारी बाइक, स्कूटी, स्कूटर, कार सभी के अंदर जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें सभी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। स्टॉपवॉच का प्रयोग छोटे समय अंतराल मापने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग शारीरिक ध्वनि से शरीर के अंगों को जांच करने के लिए किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग शरीर के रक्त दाब यानी कि बीपी के मापन के लिए किया जाता है। सेफ्टी लैंप का प्रयोग खानों में दुर्घटना को रोकने के लिए किया जाता है। टेलीस्कोप का प्रयोग दूरस्थ आकाशीय पिंडों व वस्तुओं को देखने में किया जाता है। थर्मामीटर का प्रयोग ताप के मापन के लिए किया जाता है। इससे हम हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी चेक करते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोग ताप स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी की वोल्ट तक कम करने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। वोल्टा का मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, वोल्टेज डिफरेंस मेजर करने के लिए। बैरोमीटर का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक ही टॉरसेली द्वारा किया गया था। विद्युत बैटरी व विद्युत धारा की खोज इटली के वैज्ञानिक अलेक्जेंड्रो वोल्टा के द्वारा की गई। बाइसिकल के आविष्कारक स्कॉटलैंड के केक मैकमिलन ने की थी। टायर के आविष्कारक ब्रिटेन के जॉन डनलप हैं और इन्हीं के नाम से डनलप टायर अभी भी मार्केट में उपलब्ध हैं। वाष्प की कार का आविष्कारक फ्रांस के वैज्ञानिक निकोलस कुगनार ने किया था। कार के पेट्रोल के आविष्कारक जर्मनी के कॉर्ल बेंज हैं। कताई मशीन के आविष्कारक ब्रिटेन के सैमुअल क्रॉम्पटन हैं। मैकेनिकल वॉच के आविष्कारक चीन के आइसिंग व लियोंग सेंग हैं। पेंडुलम क्लॉक के आविष्कारक नीदरलैंड के क्रिश्चियन यूंग गैस हैं। डीजल इंजन के आविष्कारक जर्मनी के रुडोल्फ डीजल हैं। डायनेमो के आविष्कारक फ्रांस के हाइपोलाइट पिक्सी हैं। एसी मोटर के आविष्कारक अमेरिका के निकोला टेस्ला हैं। डीसी मोटर के आविष्कारक बेल्जियम के जेनोवे ग्रामे हैं। मूक चलचित्र के आविष्कारक अमेरिका के
लुई ली प्रिंस है। वाक् चलचित्र के आविष्कारक जर्मनी के जे मुसोली व हैंस बागर हैं। वाक् चलचित्र संगीत युक्त के आविष्कारक अमेरिका के एल डी फेरिस्ट हैं। मूवी टॉकिंग के आविष्कारक अमेरिका के वार्न ब्रदर्स हैं। फाउंटेन पेन के आविष्कारक अमेरिका के लेविस वाटरमैन हैं। ग्रामोफोन के आविष्कारक अमेरिका के थॉमस अल्वा एडिसन हैं। लाउड स्पीकर के आविष्कारक ब्रिटेन के हॉरेंस शॉर्ट हैं। सेफ्टी पिन के आविष्कारक अमेरिका के वॉल्टर हंट हैं। स्लाई मशीन का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक बर्थ लेमी थियोनियर के द्वारा किया गया। स्टील का आविष्कार ब्रिटेन के वैज्ञानिक हेनरी बेलेमर के द्वारा किया गया। स्टीम इंजन कंडेंसर का आविष्कार स्कॉटलैंड के जेम्स वॉट हैं। स्टीम इंजन पिस्टन के आविष्कारक ब्रिटेन के थॉमस न्यूकोमैन हैं। सेफ्टी मैच के आविष्कारक ब्रिटेन के जॉन वॉकर हैं। सीमेंट पोर्टलैंड के आविष्कारक ब्रिटेन के जोसेफ एस्पिडिन हैं। टैंक का आविष्कार ब्रिटेन के सर अर्नेस्ट स्वीटन द्वारा किया गया। टेलीग्राफ मैकेनिकल का आविष्कार फ्रांस के एम लेमांट के नाम दर्ज है। टेलीग्राफ कोड का आविष्कार अमेरिका के सैमुअल मोर्स द्वारा किया गया। टेलीफोन का आविष्कार अमेरिका के ग्राहम बेल द्वारा किया गया। टेलीविजन का आविष्कार ब्रिटेन के जे एल बेयर्ड वैज्ञानिक द्वारा किया गया। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने थर्मामीटर गैस का आविष्कार किया। थर्मामीटर मरकरी के आविष्कारक जर्मनी के वैज्ञानिक फॉरेनहाइट हैं। टेलीस्कोप के आविष्कारक इटली के गैलीलियो हैं। पनडुब्बी के आविष्कारक अमेरिका के डेविड बुसलेन हैं। हेलीकॉप्टर के आविष्कारक फ्रांस के वैज्ञानिक एटीन होहमिसेन हैं। माइक्रोस्कोप का आविष्कार नीदरलैंड के वैज्ञानिक जेड जोनेसन द्वारा किया गया। मोटरसाइकिल के आविष्कारक जर्मनी के वैज्ञानिक जी डेमलर हैं। माइक्रोफोन के आविष्कारक अमेरिका के ग्राहम बेल हैं। पेपर यानी कि कागज के आविष्कारक चीन के मुलबेरी हैं। प्लास्टिक के आविष्कारक ब्रिटेन के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर पार्कस हैं। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक जर्मनी के वैज्ञानिक जॉन गुटेनबर्ग हैं। पाश्चुरीकरण के वैज्ञानिक फ्रांस के लुई पाश्चर हैं। रडार का प्रयोग अमेरिका के डॉक्टर अल्बर्ट टेलर एम लियो यंग द्वारा किया गया। रेजर विद्युत का आविष्कार अमेरिका के जैकब शिक द्वारा किया गया। सेफ्टी रेजर के आविष्कारक अमेरिका के किंग जिलेट के नाम किया गया और इनके नाम के ऊपर प्रेस्टो रेजर भी मिलते हैं। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक अमेरिका के वैज्ञानिक जेम्स हैरिसन व अलेक्जेंडर के टीन द्वारा किया गया। रिवॉल्वर के आविष्कारक अमेरिका के वैज्ञानिक सैमुअल कोल्ट हैं। लेजर के आविष्कारक अमेरिका के डॉक्टर चार्ल्स टाउन्स हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक अमेरिका के डेवार हैं। ट्रक का आविष्कार अमेरिका के रॉबर्ट फॉर्मिस द्वारा किया गया। जेट इंजन का आविष्कार ब्रिटेन के वैज्ञानिक फ्रैंक हीटल द्वारा किया गया। सौर मंडल की अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक पोलैंड के कोपरनिकस हैं। हवाई जहाज
के आविष्कारक अमेरिका के राइट ब्रदर्स हैं। वातानुकूलन यानी एसी के आविष्कारक अमेरिका के WH कैरियर हैं और कैरियर कंपनी के एसी मार्केट में मिलते भी हैं। कैलकुलेटर के आविष्कारक फ्रांस के पास्कल हैं। कंप्यूटर की अवधारणा अमेरिका के हार्वर्ड आर्फिन के नाम दर्ज है। डायनामाइट के आविष्कारक स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक एडिसन के द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कारक जर्मनी के वैज्ञानिक नोल व रस्का हैं। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के आविष्कारक इटली के मार्कोनी हैं। अनुवांशिकता के नियम ऑस्ट्रिया के जॉर्ज ग्रेगर मेंडल द्वारा दिया गया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति के नियम फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने दिए। कोशिका मृत की खोज इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। कोशिका जीवित की अवधारणा नीदरलैंड के वैज्ञानिक ल्यूवेक हॉक ने दी। रक्त परिसंचरण की अवधारणा इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम हॉर्वे द्वारा दी गई। टीके के आविष्कारक इंग्लैंड के वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर के नाम दर्ज है। रेबीज के टीके का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर द्वारा किया गया। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो और साइंस के वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें, और इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।